गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रचना गुप्ता आपके अपने चैनल रचना ब्यूटी ऑफिशियल में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ। तो चलते हैं वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ, मैं लगाने वाली हूँ फेम गोल्ड ब्लीच। तो मैं आप लोगों में पहले भी लगा चुकी हूँ कई बार, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, शेयर करती हूँ वीडियो बना के। तो मेरा ये न्यू पैकेज नहीं है, मैंने मैंने पहले भी इसको एक बार यूज़ कर लिया है, लगभग 2 मंथ पहले मैंने यूज़ किया हुआ था। तो चलते हैं, इसकी पहले मैं एक्सपायरी डेट देखती हूँ। अभी ये वैलिड है, आप लोगों को शो भी हो रहा होगा आई थिंक, अभी ये वैलिड है, ये 2023 में इसकी एक्सपायरी डेट है। और मार्केट में ये 65 रुपये की, 65 रुपये की आ जाती है ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन भी मंगाना हो तो आप ऑनलाइन भी अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी साइट से परचेज कर सकते हो जिस पे आपको ट्रस्ट वगैरह हो, है ना। तो इसके साथ ऑफलाइन अगर आप मंगाओगे तो इसके साथ आपको फ्री में मिलेगा 30 ml का गुलाबरी गुलाबरी जल होता ना, वो मिलेगा आपको 15 रुपये वाला। तो मुझे भी मिला हुआ था, मैंने इसको लगाया हुआ था। तो चलते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है मैं आपको उनके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया फाइनली, देख लिया आप लोग, ठीक है। तो मेरे पास अभी बेसिकली ड्रेसिंग टेबल नहीं है, मैं अभी अपने देसी जुगाड़ से अपने वीडियो बना लेती हूँ। जब मेरे पास यूट्यूब से कुछ अर्निंग वगैरह हो जाएगी तो फिर मैं उसी हिसाब से आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाया करूँगी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के। आई मेरे पास जैसा है वैसा मैं बता रही हूँ, मेरा छोटा सा लगा रखा है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो मैंने ये निकाला हुआ है, इसके साथ एक स्पून टाइप की आती है और इसके ये होता है एक्टिवेटर, गोल्ड पाउडर एक्टिवेटर। इसकी क्वांटिटी हमेशा, अगर आपको ये इसकी क्वांटिटी मतलब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर तीन तीन क्या बोलते हैं हाफ स्पून इसको रखते हैं और 3 चम्मच इसको रखते हैं, आप समझना। मैं देसी जुगाड़ के हिसाब से समझा रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, ठीक है लाइव। तो एक बाउल मैंने लिया है, मैं बाउल में निकालूंगी और मैं फिंगर की सहायता से अप्लाई भी करूँगी। तो बने रहना है मेरे चैनल को, पूरा देखना है। आप इस वाले साइड वाले से आप रिमूव भी इस तरह से कर सकते हो, वो भी आपको मैं करके बताऊँगी। तो मैंने एक ये फूल अपने फेस के हिसाब से लेना है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, देखिए स्मेल भी अच्छी आ रही है। तो मैंने इसको क्योंकि एक ही बार में ये ख़त्म हो जाएगी तो मैंने इसको बाउल में ले लिया है। और मैं एक्टिवेटर इसका हल्का ही लूँगी क्योंकि ज़्यादा लेने से ना बहनें लोग, जो मेरी बहनें लोग देख रही होगी तो मैं उनको बता दूँ जिनको नहीं पता है, तो अगर एक्टिवेटर पाउडर ज़्यादा लेने से ना आपके फेस पे जो ग्रोथ होती है ना, जिससे रुआ टाइप का होता है वो येल्लो हो जाता है, इसलिए हमेशा उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी चाहिए। जितना आप ये क्रीम लेते हो ना फेम ब्लीच, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप इससे भी नाप सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, जितनी बची हुई थी डिब्बी मैंने खाली कर ली है, मैंने बाउल में निकाल लिया है। तो मैं एक्टिवेटर को भी मैंने ओपन कर लिया है, इसकी क्वांटिटी में बिल्कुल, इसको अगर बच भी जाए तो फेंक देना या अगली बार नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मैं ज़रा सा लूँगी, इतना लिया हुआ है आप सोच लो, क्योंकि इसमें काफ़ी भरा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा लूँगी ना तो मेरी हेयर ना येलो हो जाएंगे, वो अलग से पता चलेगा कि हाँ इन मैडम ने ना ब्लीच की हुई है। लेकिन अगर ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा हो जाए ना फिर वो अच्छे नहीं लगते। मैंने एक्टिवेटर इसमें मिला लिया है, आप लोग देख ही सकते हो। मैं थोड़ा सा पानी लेने वाली हूँ, पानी मैंने इस बाउल में रखा हुआ है, आप लोग देख लो, है ना। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा स्पून में, इसी स्पून में मैंने पानी ले लिया है, अब इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इससे इसी स्पून से मैंने चला लूँगी, अच्छे से मेल्ट कर लूँगी, क्योंकि
जैसे मार्केट में भी ऑफलाइन भी लो या ऑनलाइन कैसे भी परचेस करो, हल्की सी ना सूख सी जाती है, जम नहीं जाती है, पता नहीं गाढ़ी सी हो जाती है, गाढ़ापन आ जाता है उसमें। तो हल्का सा एक्टिवेटर मिलाने के बाद आप हल्का सा थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से पानी ले लो ना, तो हल्के से ये मेल्ट हो जाती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए आप लोग, मैंने अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है। मैं इसको फुल अप्लाई करने वाली हूँ। और अप्लाई अगर आपको ये सूट ना करे, जैसे अगर आपको सूट नहीं करे तो आपको पता चल जाएगा आपके फेस पे ना जलन टाइप की होने लगेगी, तो आप उसको रिमूव कर लेना, क्योंकि आप इससे ही पता कर सकते हो कि आपके फेस पे ये सूट कर भी रही है या नहीं। मेरे को सूट करती है इसलिए मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, हमेशा नहीं करती, कभी कभार मन होता है। जैसे वैसे मैं फेशियल वगैरह भी कम ही करती हूँ कभी कभार, तो मैं हल्के से अप्लाई कर लूँगी, फिंगर की सहायता से करेंगे, पतली सी लेयर लगा लेंगे। इसको 15 मिनट तक रखना होता है, आप लोग देखना अभी टाइम हुआ है, पता नहीं कितना टाइम हुआ लेकिन मैं अप्लाई कर लूँ पहले, ठीक है। तो गाइस मैंने इसको लगा लिया है, फेम ब्लीच को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करती रहूँगी, मतलब अपने फेस पे लगाए रहूँगी, उसके बाद इसको रिमूव करूँगी इस वाली स्पून से, छोटे वाली से, इस तरह से, आप लोग देखना, ठीक है। फैमिली सूखने लगी है, आप लोग देखिए सूख भी रही है, तो मुझे टाइम भी हो गया, तो अब मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों के सामने। तो सूख गई है, इसको ज़्यादा देर अप्लाई नहीं करना होता है, तो मुझे टाइम हो गया, अब मैं इसको रिमूव करूँगी। इसी तरह आप भी रिमूव कर सकते हो गाइस, इसके बाद आप ठंडे पानी से फेस को धुल लेना है, या रूम टेम्परेचर का पानी हो उससे भी आप फेस को वॉश कर सकते हो। तो देखिए आप लोग, मैंने फेम ब्लीच को अच्छे से रिमूव कर लिया है, बट अभी पानी से नहीं वॉश किया हुआ, तो मैं जा रही हूँ, 2 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। वॉशरूम जा रही हूँ ठंडे पानी से, नॉर्मल जो पानी है बाथरूम में उसी से वॉश करने वाली हूँ। बट हाँ, याद रहे आप लोगों को भी, ना साबुन लगाना ना फेस वॉश लगाना, ओनली पानी से रिमूव करना है, अच्छे से पानी से धो लेना है, नो साबुन नो फेस वॉश, ठीक है। तो गाइस मैं फाइनली पानी से वॉश करके आ गई हूँ, अब मैं टावल से पहुँचूँगी, तो आप फिर मैं आपको ग्लो दिखा रही हूँ। जितना हो सके आप लोगों को भी लगभग 15 मिनट से 10 से 15 मिनट के बीच ही रखना है फेस पे, ज़्यादा देर तक नहीं रखना होता है। मैं भी 10 ही मिनट रखती हूँ, लेकिन इसमें 14 मिनट लिखा होता है, बट मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है, तो आप लोग रिजल्ट देख ही सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं। और आपको किस टॉपिक पे कैसे मतलब मेकअप में या ऑनलाइन रिव्यू वगैरह, और हाँ कल मेरा अमेजोन से मैंने कुछ मंगाया हुआ है उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ, तो कल का ब्लॉग वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय टाटा। Thank you.